हमारी जो पहले वीडियो थी वो वीडियो थी एम कोड का इंट्रोडक्शन था कि एम कोड जो मतलब बेसिकली वैसे एम कोड्स जो एमसी मशीनों में ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, मतलब उन्हीं के बेस्ड पे होती है सारी मतलब प्रोग्रामिंग बनती है, और मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन कॉमन है, और वही उसी मतलब मैक्सिमम उन्हीं एम कोड को इस्तेमाल करके हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो मेरे जिस जिन जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है कृपया करके वीडियो देख लें एम कोड की, ठीक है, उसके बाद उनको क्लियर हो जाएगा कि एम कोड्स कौन कौन से एम कोड्स होते हैं, जो किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और फिर मैं आगे जब प्रोग्रामिंग करवाऊंगा तो उस प्रोग्रामिंग में उस एम कोड का इस्तेमाल जब मैं करूँगा तो आप सबको पता हो कि कौन सा एम कोड किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ये जो मेरी वीडियो है ये है जी कोड के ऊपर, ये इसमें सिर्फ मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि इनको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, और ये सारे वही जी कोड्स हैं जो मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन्हीं के ऊपर मैक्सिमम आप देखोगे तो प्रोग्राम बनते हैं, ठीक है। वैसे जी कोड्स तो और भी हैं जो मैंने इसमें नहीं लिखे, लेकिन वो बहुत कम रेयर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले जी कोड्स हैं जिनको मैंने यहाँ लिखा, और इनको बारे में मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, और इसको डिस्क्राइब करने के बाद फिर हम एक एक जी कोड्स उठाएंगे और उन जी कोड्स के ऊपर हम प्रोग्रामिंग करेंगे, या फिर कोई ड्राइंग ले लेंगे उन ड्राइंग के ऊपर हम प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। तो आप देख लो एक बार जी कोड्स को, ठीक है, ये हमारे जी कोड हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होते हैं और हर प्रोग्राम में होते हैं तरीके से देखा जाए तो। नॉर्मली अगर हम ड्रिलिंग टैपिंग बोरिंग अगर कोई सा भी साइकिल कर रहे हैं तो इनमें से ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो बिना इसके आप कोई प्रोग्राम बना ही नहीं सकते हो, अगर चाहे आप नॉर्मल प्रोग्राम बना रहे हो या एडवांस प्रोग्राम बना रहे हो, तो इसमें आपको ये सारे जी कोड्स लगाने पड़ेंगे ही, ठीक है। और ठीक है, इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले जिन जिन ने मेरे लाइक जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके ये जो द इंजीनियर सब 97 है कृपया करके सब्सक्राइब करें, मेरे पहले की वीडियोस देखें जिसमें बहुत बेसिक से मैं एक एक पॉइंट को क्लियर कर करके समझा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ताकि लोगों को जो बिगिनर्स है उनको ईजिली समझ में आ जाए कि जी कोड्स क्या होता है, एम कोड्स क्या होता है, और उन एम कोड्स के ऊपर प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। बेसिकली मैंने ये भी समझाया है कि जो वीएमसी मशीन क्या होती है, एचएमसी मशीन क्या होती है, उनमें सेट फिक्चर को कैसे रखें, फिक्चर डायल कैसे करें, ठीक है। अगर किसी को प्रैक्टिकल चाहिए तो प्रैक्टिकल की भी वीडियो मैं बना के दे सकता हूँ, और कृपया अगर उनको चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर किसी को डायलिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं डायलिंग की भी बना करके वीडियो दे सकता हूँ, ताकि और उनको मैं समझा सकता हूँ, अगर किसी को चाहिए तो वो मेंशन करें, ठीक है। पहला है हमारा G00, G01, G02, G03, ठीक है। सबसे पहले हम G0 का ले लेते हैं, ये होता है रैपिड, रैपिड ट्रैवल के लिए होता है, ठीक है। रैपिड ट्रैवल का मतलब ये है जैसे कि ये मशीन है, ठीक है, ये मशीन का स्पिंडल हो गया, ये मान लो ये स्पिंडल है और स्पिंडल में टूल बंधा हुआ है, मेरा बेड यहाँ पे है, ठीक है। अब मेरे को इस टूल को यहाँ पे लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, जो मशीन जैसे मशीन का एक स्पीड होती है, मशीन की जो फ्री में मतलब फ्री मूवमेंट करवाना हो, मैंने ऑटो में रन कर दिया और मतलब मैंने कोई कमांड नहीं लगाया, मैंने मशीन को रेफरेंस करना है, तो मशीन रेफरेंस जो होगी अगर मैं G0 में करूँगा तो अपने स्पीड से जाएगी, मशीन की कोई स्पीड होती है, जैसे मान लो 40,000 की स्पीड हो गई, 50,000 की स्पीड हो गई, वो मशीन के ऊपर डिपेंड होती है कि आप उस मशीन की कितनी स्पीड है, उसी स्पीड के ऊपर से इसकी ट्रैवल होगी, ठीक है। तो जो मशीन की ट्रैवल होगी उसी ट्रैवल से ये G0 में जो मूवमेंट होती है एक्सिस की, ठीक है। मान लो किसी की 50,000 है, किसी की 60,000 है, किसी की 40,000 है, तो वो क्या होता है, मशीन की एक्सिस की मूवमेंट होती है, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, या फिर एक्स एक्सिस हो गया, वो मैक्सिमम स्पीड से मशीन रेफरेंस होती है, या फिर जहाँ पे मैंने G0 का इस्तेमाल किया है रैपिड ट्रैवल करवाने के लिए इस्तेमाल किया है, तो मशीन उसी स्पीड से मूव करेगी, ठीक है। तो G0 का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मान लो हमने प्रोग्राम बनाया, ठीक है, और उस प्रोग्राम में मेरे को नॉन कटिंग टाइम, पहले समझ लो नॉन कटिंग टाइम क्या होता है, कटिंग टाइम क्या होता है,
कटिंग टाइम, नॉन कटिंग टाइम। कटिंग टाइम का मतलब होता है पीस को काटना, ठीक है, चाहे वो ड्रिलिंग से काटे या फिर कटर से काटो या फिर आप किसी एंड मिल से काटो, ये कटिंग टाइम होता है, नॉन कटिंग टाइम होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कटिंग टाइम, पहले समझते हैं क्या होता है। कटिंग टाइम का मतलब ये है, जैसे हमारा पीस है और टूल इसके ऊपर चल रहा है और टूल कहीं से मेटल को रिमूव कर रहा है, ठीक है, टूल कहीं से मेटल को रिमूव कर रहा है और मतलब पार्ट को कॉन्टेक्ट में है, इसको हम लिखेंगे व्हेन टूल इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ पार्ट एंड रिमूविंग मेटल बाई रबिंग एंड कटिंग, ठीक है। कटिंग टाइम क्या होता है, तो दैट टाइम इज कॉल्ड कटिंग टाइम। ठीक है, कटिंग टाइम क्या होता है, जब टूल पार्ट के कांटेक्ट में है, पार्ट के कांटेक्ट में है और वो पीस को रबी कर रहा है, कटिंग कर रहा है या फिर किसी भी मेथड से उसमें से मेटल को रिमूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम कटिंग टाइम बोलते हैं। उस जो जितने टाइम तक क्या होगा कि टूल इंगेज रहेगा किसके साथ, पीस के साथ रहेगा और कुछ ना कुछ मेटल रिमूव करता रहेगा, तो उसको हम कटिंग टाइम बोलेंगे, ठीक है। और नॉन कटिंग टाइम क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। When tool is not in contact with part or work piece, or it is moving free, इज कॉल्ड नॉन कटिंग टाइम। ठीक है, नॉन कटिंग टाइम क्या होता है, जब टूल फ्री मूव कर रहा है एक्सिस, जैसे कि मान लो मेरे को, जैसे ये टूल है, ठीक है, यहाँ पे मेरा वर्क पीस है, यहाँ पे इस टूल को इस वर्क पीस के पास लेके आना है, तो यहां से लेके यहाँ आने में जो टाइम लगा वो क्या हो गया, नॉन कटिंग टाइम हो गया। या मान लो जैसे कि मेरा ये होल है, ठीक है, और यहाँ पे ये ऊपर से पहले से होल बना हुआ है और इसके अंदर 5 mm की ड्रिलिंग करनी है, ठीक है, और ये होल 10 mm का ऑलरेडी कास्टिंग में या फिर किसी पार्ट में ऑलरेडी है, तो यहाँ से यहाँ तक जो टूल ट्रेवल करेगा काटने से पहले तक वो क्या कहलाएगा, नॉन कटिंग टाइम कहलाएगा, ठीक है। एक्सिस रिफरेंस हो रही है या फिर मतलब टूल मूव कर रहा है इधर, मतलब कहीं भी मूव कर रहा है लेकिन पार्ट के कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा, काट नहीं रहा है, तो हमारे नॉन कटिंग टाइम कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको कटिंग और नॉन कटिंग टाइम मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कृपया करके कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तो G0 का बेसिकली हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे जो टूल होता है वो इंगेज नहीं होता है किसके साथ, वर्क पीस के साथ। जब टूल वर्क पीस के साथ इंगेज नहीं होता है, जहां पे वो वर्क पीस के साथ कटिंग नहीं कर रहा होता है, वहां पे हम G0 का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो टूल है, ताकि एक्सिस है, वो अपनी जो मशीन की जो स्पीड है उस स्पीड से मूव करे। उसमें हम फीड नहीं डालते, जो फीड मशीन की होती है उसी मतलब कि उसी अपनी मैक्सिमम स्पीड से ट्रैवल करती है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये है पैड और इस ये है पिक्चर और इसकी ट्रैवल यहाँ पे जाना है, तो मैक्सिमम स्पीड से पीस यहाँ चला जाएगा, रोटेट मतलब मूव कर जाएगा, रोटरी घूम रही है तो मैक्सिमम स्पीड से घूमेगी, टूल यहां से यहां आ रहा है या फिक्सर वहां जा रहा है तो मैक्सिमम स्पीड से जाएगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो रैपिड रैपिड इंटरपोलेशन या रैपिड मूवमेंट हम इसको हम कह सकते हैं, जब एक्सिस फ्री मूवमेंट करती है, तो हम G0 का इस्तेमाल करते हैं। इसका हम यूज वहां पे करेंगे, प्रोग्रामिंग में आगे चल के करेंगे, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हमने G0 इस्तेमाल क्यों किया है यहाँ पे, ठीक है।
ये याद रखना, G0 इस्तेमाल वहीं पे करते हैं जहां पे पार्ट क्या हो, जहां पर टूल हो, किसी भी चीज से एंगेज नहीं कर रहा हो, चाहे वो मतलब वर्क पीस, जहां पे मेरे को वर्क परफॉर्मेंस कर रहा हो उस वर्क पीस के ऊपर ही टूल चलाएंगे। और अगर ट्रैवल करने में भी कहीं नहीं टकराना चाहिए तो अगर, तो रैपिड में, वहां पे हम रैपिड में ट्रैवल करवाते हैं, तो जिसको हम G0 से ही प्रोग्राम को बनाते हैं। ओके, अब G01 का इस्तेमाल, ये देखो इन तीनों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम, G01, G02, G03, ठीक है। इन तीनों का इस्तेमाल हम कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो G0 होता है नॉन कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये तीनों जो इस्तेमाल होते हैं कटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है लीनियर इंटरपोलेशन, इसका होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन, पोलेशन क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। घड़ी जैसे कि मान लो ये मेरा ये घड़ी है, तो घड़ी जो सुई इस तरीके से मूव करती है तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, जो इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो हम G02 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। G03 क्या होता है, G03 का इस्तेमाल हम करते हैं सर्कुलर इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन पोलेशन इन काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज में हम इसको कटिंग करेंगे तो G03 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब बारीकी समझते हैं किस तरीके से, वैसे तो मैं आगे प्रोग्रामिंग में समझाने ही वाला हूँ कि किस तरीके से हम G02 का इस्तेमाल करके प्रोग्राम बनाएंगे, किस तरीके से हम G03 का इस्तेमाल करके प्रोग्राम बनाएंगे और किस तरीके से G01 का इस्तेमाल करके हम प्रोग्राम बनाएंगे। ये आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि G0 क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखो G01, G01 में मान लो जैसे ये वर्क पीस है और ये टूल है, मेरे को काटते हुए यहां तक जाना है, मेरे को एक कटर से या एंड मिल से है, मेरे को काटता हुआ यहां तक जाना है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे G0 का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बिल्कुल मशीन अपने रैपिड से मूव करेगा तो तोड़ देगा ठोक देगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करूंगा, G01, G01 का वो होता है, इस्तेमाल होता है फीड में लीनियर इंटरपोलेशन, ये भी फीड में सर्कुलर इंटरपोलेशन, फीड में आपके हो गए सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज। अब फीड में का मतलब ये है कि आप जो ये फीड दोगे मशीन को G0 के साथ, उसी फीड से काटता हुआ यहां तक जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने एक प्रोग्राम बनाया G01, एक ब्लॉक लिख देता हूँ और एक्स में ट्रैवल कर रहा है इधर की तरफ, टूल काटता हुआ जाएगा तो इधर जाएगा, एक्स माइनस का मान लो 100 mm.0 और फीड मान लिया मैंने 200 और यहाँ लगा दिया, तो ये G01 में ये जो टूल है काटता हुआ यहां तक जाएगा टूल और बैट इधर की तरफ मूव करेगी। अगर आपका ये फिक्स है, जेड एक्सिस फिक्स है, तो टूल इधर की तरफ मूव कर, ओ सॉरी वर्क पीस है इधर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो एक्स किस में चला जाएगा, अगर मान लो बैट इधर की तरफ मूव कर रहा है तो प्लस में चला जाएगा और उधर की तरफ मूव कर रहा है तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ये एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्स वाई और वाई, उधर की तरफ माइनस, इधर की तरफ प्लस, इधर की तरफ माइनस, उधर की तरफ प्लस, इसमें उल्टा होता है, जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह पढ़ते हो इसमें उल्टा होता है। अगर मेरे को इधर की तरफ टूल लेकर के जाना है या वर्कपीस को लेकर जाना है तो माइनस में मूव करेगा और इधर की तरफ लेके जाना है तो प्लस में। अगर मान लो ये टूल इधर की तरफ मूव कराना है, ठीक है, ये यहाँ पे है, तो इसको इधर की तरफ मूव कराएंगे तो एक्स किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100.0 प्लस में यहां तक लाने के लिए, अगर टोटल वैल्यू 100 है तो। अगर यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, 100 mm है, और मेरे को टूल यहाँ ये 0 है, यहां से यहां लेके आना है तो एक्स प्लस में मेरे को क्या डालना पड़ेगा, ये मेरा 0 है तो एक्स प्लस में क्या डालना पड़ेगा, 100 mm, तो टूल यहाँ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, या वर्क पीस चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये समझ सकते हो आप। अगर मेरे को जैसे ये ओरिजिन है, अगर इधर की तरफ आना है तो ये माइनस में चला जाएगा, इधर की तरफ आना है तो प्लस, ऊपर की तरफ जाना है तो माइनस, नीचे की तरफ आना है तो प्लस, बोले तो अगर अंदर की तरफ जाना है वर्क पीस को तो माइनस में, बाहर की तरफ आना है तो प्लस में, अगर वर्क पीस को इधर की तरफ जाना है तो जैसे मैंने दिखाया प्लस में। तो
जब G01 का इस्तेमाल हमने करके देख लिया क्या होता है और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, जब भी G01 का या G02 का G00 का इस्तेमाल करोगे तो उसके साथ आपको फीड जरूर डालनी पड़ेगी। फीड आप कैसे कैलकुलेट करोगे उसके लिए भी मैं आगे बताऊंगा, उसका कौन सा फॉर्मूला होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। वो फीड ये भी मैंने अभी अंदाजे से अपना डाल दिया, रैंडम फीड डाल दिया, इस फीड से मैं ट्रैवल करवा रहा हूँ, ठीक है। फीड कैसे कैलकुलेट करने आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं G02 और G03, इन दोनों का इस्तेमाल पढ़ते हैं कि क्या होता है। G02 G03, जैसे मान लो आपका एक डाया है ये डाया आपका 50 mm का है, आपको इसको बोर करना है या फिर और 50 mm का डाया बनाना है। बेसिकली ये आपके पास 30 mm का आ रहा है, 40 mm का आ रहा है या 49 mm का आ रहा है, इसको 50 mm का करना है। मान लो इसको ये 50 mm का करना है, ठीक है। और आपके पास ये डाया कितना आ रहा है, मान लो 49 का डाया आपके पास आ रहा है और आपको बनाना कितने का है, 50 mm का बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब 50 mm का टूल लगाओगे तो एक तरीके से हैवी टूल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर रफ काटना है तो हम एंड मिल से भी काट सकते हैं। तो एंड मिल मान लो मैंने 10 mm का एंड मिल इस्तेमाल किया, एंड मिल 10 का ले लिया, डाया 20 का ले लिया, इससे नीचे हम कितने का भी ले सकते हैं, डाया 30 का ले लिया, 30 तो बड़ा ही हो जाएगा, तुम छोटे से एंड मिल से काम चलाते हैं, डाया 16 भी ले सकते हैं, डाया 18 भी ले सकते हैं, ठीक है। हम डाया 20 से बना करके देखते हैं, हम डाया 20 से इस एंड मिल से 50 का डाया बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे कि इसका एक फॉर्मूला है, डाया कंपोनेंट का डाया लिख लो या पार्ट का डाया लिख लो, जैसे कंपोनेंट डाया लिख देते हैं हम, डायामीटर माइनस टूल डायामीटर डिवाइडेड बाय 2, ये करके निकाल देंगे तो हमें ट्रेवल मिलके मिल जाएगा कि टूल को अंदर कितना ट्रेवल करना है, ठीक है। ये तो आईडी के लिए हो गया, ओडी के लिए उल्टा हो जाता है, प्लस हो जाता है। ओडी में क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, और आईडी में क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे 50 है तो क्या हो जाएगा, 50 माइनस का 20 का एंड मिल इस्तेमाल कर रहे हैं तो 50 डिवाइड बाय 2 ये कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय 2 यानी कि 15, यानी कि मेरे को टूल को 15 mm का इंटरपोलेशन देना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली आगे मैं समझाऊंगा ये क्या है, कैसे कैलकुलेट और क्यों कैलकुलेट किया, ठीक है। मेरे सबसे पहले हमें ये देखना है कि इंटरपोलेशन क्या होता है, ये सर्कुलर इंटरपोलेशन क्या होता है। जैसे कि मान लो अब मैंने 15 mm के यहाँ पे मूवमेंट दे दिया, ठीक है। तो एक्स में जैसे कि यहां से यहां तक मूव करवा दिया G01, और इधर आना है तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में 15.0, टूल यहां पे आ गया और फीड मैंने दे दिया 200। अब मेरे को सर्कुलर टूल को पूरा इसके राउंड घुमाना है, जैसे ये है, यहां से स्टार्ट किया यहां तक ऐसे टूल को घुमाना है। तो सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर क्लॉकवाइज अगर इस डायरेक्शन से घुमाएंगे तो G02 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और ये इस्तेमाल करने के लिए हमें आई जे और के का इस्तेमाल करना पड़ता है। सर्कुलर इंटरपोलेशन जब भी इस्तेमाल करेंगे वहां पे आई जे के इस्तेमाल होगा, ठीक है। आई जे के क्या है ये हम आगे प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जैसे कि बेसिकली ये समझ लो, एक्स के साथ हम आई का इस्तेमाल करते हैं और वाई के साथ जे का इस्तेमाल करते हैं और जेड के साथ हम के का इस्तेमाल करते हैं। जब हम एक्स के डायरेक्शन में इंटरपोलेशन देंगे तो आई का इस्तेमाल करेंगे, वाई के साइड से हमने टूल को मूव कराया, जैसे मैंने अभी एक्स की तरफ लिया पहले और वहीं से इंटरपोलेशन स्टार्ट किया तो हम वाई आई का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लो मैं वाई में शिफ्ट करता तो मैं जे का इस्तेमाल करता, अगर के में इंटरपोलेशन देना होता है यानी जेड में इंटरपोलेशन देना होता, वो जेड में इंटरपोलेशन कैसे देते हैं वो मैं आगे अपनी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। G02 अब मैंने एक्स में लिया है तो आई इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दूसरी चीज है, जब यहाँ की वैल्यू प्लस में होती है तो हमें आई की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, माइनस में, माइनस में 15.0 इतनी वैल्यू ये रहेगी, वही 15 mm यहाँ पे भी हो जाएगा 15.0, और फिर मैंने मान लो 200 ही डाल दिया तो क्या होगा, टूल यहाँ से रोटेट यहाँ पे आएगा और यहीं से एक चक्कर कंप्लीट करके यहाँ पे आकर रुक जाएगा इसमें, और फिर से हम क्या कर लेंगे, टूल को वापस ले लेंगे, यहाँ पे रुका था तो हम वापस ले लेंगे यहाँ पे X 0.0। अगर हम उसमें बना रहे हो तो अगर ये प्रोग्राम हम G90 में बना रहे हो यानी कि ऑब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो
ये एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग क्या होती है, इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये आपको आगे समझाऊंगा। बेसिकली आप ये समझ लो, ये G02 G03 का मतलब होता है टूल को इंटरपोलेशन घुमाना, या पार्ट को टूल के अगेंस्ट गोल घुमाना। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूमेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन से घूमेगा। ये मैं आगे वीडियो में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो एक एक की प्रोग्रामिंग हम करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है G04। G04 का मतलब होता है ड्वेल टाइम। G04 का इस्तेमाल होता है ड्वेल टाइम के लिए, ड्वेल टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने बोरिंग किया, ठीक है, या कहीं पे मुझे टूल को कुछ सेकंड के लिए रोकना है, कटिंग टाइम, कटिंग करते समय, या फिर नॉन कटिंग के टाइम पे जब टूल कटिंग कर रहा है तब रोकना है, नहीं कटिंग कर रहा तब रोकना है, तब वहां पे हम G0 का इस्तेमाल करेंगे और G04 का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ एक्स की वैल्यू लगाएंगे। X 0.04 या कुछ भी लगा दिया तो ये सेकंड का काम करता है। ठीक है, जैसे 2 लगा दिया तो 2 सेकंड का काम करेगा, तो 2 सेकंड वहां पे क्या हो जाएगा, टूल होल्ड हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, ये हम इस्तेमाल करते हैं ड्वेल टाइम, इसलिए डालते हैं कहीं डाया में प्रॉब्लम हो, या फिर मतलब कि टेपर आ रहा हो, या फिर फिनिशिंग सही नहीं आ रहा हो, तो वहां पे हम G04 का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो जो भी बर वगैरह हो निकालने के लिए भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ड्वेल टाइम देना। ड्वेल टाइम का मतलब होता है टूल को उस पोजिशन पे कुछ सेकेंड के लिए, जो जितना डालोगे इसके साथ, उस सेकेंड के लिए उसको उस वैल्यू को रोक के रखना। ठीक है, टूल को रोक के रखना वहां पे। ओके, तो ठीक है, वीडियो लेंथी हो रहा है, तो बाकी के जो है G10 G17 ये हम आगे इस्तेमाल करेंगे, बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं G10 तक कवर कर देता हूँ। ठीक है, ओके, आगे की वीडियो में हम बाकी के जो जी कोड्स हैं वो पढ़ेंगे कि जी जो G10 G17 G18 क्या होता है। ठीक है, आज के लिए यहाँ तक आप रिवीजन देख लो, बैक करके वीडियो को देख सकते हो, जिसको कुछ समझने में दिक्कत है आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी G10 से मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा, एक एक करके और बारीकी से आपको समझाता हूँ। ओके, थैंक यू।